हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट का जो अभी टेस्ट हुआ है उसका डाउट्स। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन नंबर वन बहुत कम लोगों को डाउट आया है इसमें। ये क्वेश्चन जो है आप अगर सॉल्व किए बुक के मेथड से तो टाइम लगेगा, हम बताएंगे इसका शॉर्टकट। ठीक है, बिना पेन यूज किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है उसमें जो कॉमन डाउट है हम उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्या है क्वेश्चन नंबर वन? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ ओ टू इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ऑप्शन है आपके पास ए 8 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, बी 4 ग्राम मोलिकुल ऑफ ओ टू, सी 12 ग्राम ऑफ ओ थ्री, डी में है 4 ग्राम ऑफ ओ थ्री। तो इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ ओ टू, 4 ग्राम ओ टू गिवेन है, उसमें कितने है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज सेम एज। अब आपको ये चेक करना है चारों ऑप्शन में कि उसके नंबर ऑफ एटम से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, वन बाय वन सबको चेक करेंगे, यही है ना एक मेथड। तो दूसरा मेथड जो है, अब एक मेथड है कि सबको चेक करोगे बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कैलकुलेशन भी है। अब इसको हम लॉजिक से जो है इसको सॉल्व करेंगे बिना पेन यूज किए। अभी तो पेन यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी तो समझाना है ना। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो मान लो तुम मार्केट गया। ठीक है, मार्केट में कुछ लेना है, कोई फ्रूट्स लिया, स्वीट्स कुछ भी, मान लो फ्रूट्स लिए ये ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज लिए हम, और ऑरेंज में क्या है कि जो जहां पर ऑरेंज मिल रहा है, ठीक है, जहां पर ऑरेंज बिक रहा है वहां पर क्या है, एक ये दो ऑरेंज का जो है वो पैकेट बनाया गया है। ठीक है, एक पैकेट में दो ऑरेंज है, तो एक पैकेट में दो ऑरेंज है। अब बताओ कि अगर मान लो एक पैकेट में दो ऑरेंज है तो एक केजी अगर तुमको लेना है, ठीक है, एक केजी अगर लेना है तुमको तो कितने लोगे ऐसे पैकेट, तो उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि पहले ये एक पैकेट जो है वो उसका मास क्या है। ठीक है, तो मान लो ये पैकेट जो है 250 ग्राम है, तो ऐसे कितने लेंगे हम, चार, यही ना, तो ऐसे चार लेंगे हम। तो ये चार जो है ऐसे पैकेट लेंगे, सब में ऑरेंज है, ठीक है, एक है 250 ग्राम एक पैकेट, तो सब में ऑरेंज है, तो अब बताओ कितने, ये हो गया कितना, 1 केजी, ये सब मिलके हो गया ना 1 केजी, तो ये जो है ये सब मिलके हो गया 1 केजी, सब ये चारों मिला करके 1 केजी। अब अगर मान लो तुमको लेना है 3 केजी, ठीक है, 3 केजी लेना है, तो ऐसे कितने चाहिए, अभी तो कितने पैकेट है, चार ना, पैकेट चार है, तो कितने, 1 केजी, 1 केजी में नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, 8 है, दिख रहा है ना, नंबर ऑफ ऑरेंज 8 है। अब अगर मान लो तुमको लेना है 3 केजी, तो ऐसे पैकेट कितना लोगे, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स लोगे ना, मीन्स कितने, 12, तो ये तुम लोगे कितना, 12, राइट, ये लोगे तुम 12, ऐसे 12 लोगे, तो ये हो जाएगा 3 केजी। अब ये बताओ कि 3 केजी में कितने ऑरेंज आएंगे, अभी देखो ये कितना आया है, 8 आया है, यही ना, ये 1 केजी मीन्स कितना, ये 1 केजी मीन्स 8 नंबर में, और ये 3 केजी में कितने आएंगे, 12 पैकेट आएंगे, तो नंबर में कितने आएंगे, 24, यही ना आएगा, तो नंबर में आएंगे 24। अब देखो, अब मान लो नेक्स्ट डे तुम फिर से गया, तुमको ये तो समझ में आ गया कि 3 केजी अगर ले रहे हैं, 3 केजी तो 24 आ रहा है, और 1 केजी ले रहे हैं तो 8 आ रहा है, मीन्स रेशियो तो वही है ना, तो 3 केजी जो है तुम लिया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर से गया तुम, और आज भी तुमको 3 केजी लेना था सेम ऑरेंज, बट आज क्या है, आज ये जो है 2 का पैकेट नहीं है, आज जो है ना, आज क्या है 3 का पैकेट है। ठीक है, आज है 3 का पैकेट, तो आज है 1 पैकेट में 3, तो अब बताओ ऐसे तुम कितने लोगे, अगर तुमको 3 केजी ही लेना है, तुमको 3 केजी लेना है, ऐसे कितने पैकेट लोगे। देखो अभी टोटल कितना था, 3 केजी में कितना था, 12 पैकेट, तो 12 पैकेट मीन्स 24 ना, आज भी तुमको 3 केजी ही लेना है, ठीक है, 3 केजी ही लेना है, लेकिन आज जो है ये क्या था, 8 पैकेट था, है ना, तो नंबर जो है
ये हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो एट है, ये सॉरी एट तो नंबर है ना, तो एट क्या है, ये है ऑरेंज, यही ना, एट है ऑरेंज राइट, और यहाँ पर 24 है ऑरेंज, यही ना। तो 3 kg में अभी भी 24 ही ऑरेंज होगा या ज्यादा होगा? अभी तो अभी भी टोटल 24 ही होगा ना, 24 ही होगा, 24 ही होगा ऑरेंज राइट, समझ में आ गया? तो ऑरेंज तो 24 ही होगा। अब देखो ये पैकेट कितने रहेंगे, पहले जो है ये ऐसा पैकेट 12 था, लेकिन अभी 8 ही होगा, ऐसा पैकेट जो है ना अब 12 नहीं होगा। तो आज तुम ऐसे 8 पैकेट लेके आओगे, ये 8 पैकेट होगा राइट, लेकिन ऑरेंज तो उतना ही होगा, 24 ही। तो इसको हम ये जो है अभी ये दो दो है ना, एक एक पैकेट में तो दो दो है एक पैकेट में, तो कितना ये टोटल कितना आया है, 12 पैकेट। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए देखो ये भी 3 kg और ये भी 3 kg, लेकिन ये किस फॉर्म में बिक रहा है, ये देखो ये है ऑरेंज दो दो, यही ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो हम खरीद रहे हैं ऑरेंज है 1 पैकेट में दो, लेकिन ये जो है ये क्या है, 1 पैकेट में 3 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑरेंज जो है ये 3 है एक साथ, बोल सकते हैं ना। लेकिन हम ये भी ले रहे हैं कितना, 3 kg, और ये भी ले रहे हैं 3 kg, ठीक है यही ना। तो ये जो है ये कितना आया है हमारे पास, ऐसे अगर 3 kg लिए हैं तो ये 12 आया है, लेकिन ये नंबर में 12 आया है ना, नंबर में 12 आया है, लेकिन ये 8 आया है नंबर में, ठीक है, ये 8 आया है, ये 12 और 8 क्या आया है, पैकेट, यही ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये पैकेट आया है, ठीक है, लेकिन नंबर में अभी भी सेम ही है, देख लो अभी भी टोटल कितना है, 24 ही है ना, समझ में आया। तो ये भी 24 ही है ऑरेंज। तो अब आओ क्वेश्चन पर, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ O2। तो O2 मतलब ये जो है ऑरेंज, जैसे ये 2 लिखे है ना, तो इसके बदला में मान लो यहां पर ऑक्सीजन है O, तो O2 लिख सकते हम, ऑक्सीजन अभी क्या है, O2 मींस क्या, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो O2 मींस O ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ है, और O3 मींस क्या, 3 ऑक्सीजन एक साथ है, जैसे यहाँ 3 ऑरेंज एक साथ है, यही ना। तो ये मान लो ये O3 है और ये मान लो O2 है, समझ रहा। तो अब बताओ कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर सेम चाहिए, मींस नंबर ऑफ ऑरेंज अगर तुमको सेम चाहिए, तो मास तुमको सेम लेना पड़ेगा या मास भी डिफरेंट होगा? मास तो सेम ही लेना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ ऑरेंज अगर सेम चाहिए तो मास तो सेम ही लेना पड़ेगा, पैकेट डिफरेंट हो सकता है, पैकेट पर जो है पैकेट डिपेंड करता है कि ये किस फॉर्म में है। तो देखो पैकेट यहां पर ऑरेंज अगर ये 2 है एक एक पैकेट में, तो 12 पैकेट लिए हैं, लेकिन ऑरेंज अगर 3 है एक पैकेट में, तो 8 ही पैकेट लिए हैं। एक पैकेट में मान लो कि 12 होता है, 12 होता है, तो ऑरेंज हम ये 3 नहीं लिख करके ऑरेंज 12 लिखते हैं, तो फिर 2 ही पैकेट से हो जाता मेरा 24 ऑरेंज और 3 kg, समझ में। तो इसका मतलब अगर तुमको सेम नंबर लेना है ऑरेंज, तो ये जो है ये पैकेट तुम कितने भी लोगे, लेकिन ये मास जो है सेम रहेगा, क्लियर। तो मास तो सेम ही रहेगा, अब चाहे ये ऑरेंज ये 2 के फॉर्म में रहे, मींस ऐसे रहे या ऐसे रहे। अब आओ क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन पर आओ, 8 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में रहे, मास सेम रहेगा, तो देखो कौन सा है ऐसा, एक ही ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, O3 फॉर्म में है ऑक्सीजन और मास 4 ग्राम ही है, तो मास जो है अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम होगा तो मास भी सेम ही होगा, तो डायरेक्ट जो है आंसर है इसका डी, ठीक है, बिना पेन यूज किए लॉजिक से हम इसको सोच सकते हैं। अब अगर तुम मान लो मेथड से करोगे, तो फिर तुमको सबको वन बाय वन करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो है ये पहले 4 ग्राम O2 है, तो उसका क्या करो, उसका मोल फाइंड करो, फिर उसका मोल फाइंड करो, फिर मोलिकुल फाइंड करो, ठीक है, मोल फाइंड करो, और फिर मोलिकुल के लिए Na से मल्टीप्लाई करेंगे, तो
और फिर नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, एक O2 में दो है ऑक्सीजन एटम, तो जितना आएगा उसमें टू से मल्टीप्लाई करो। फिर ऑप्शन जितने हैं, 8 ग्राम एटोमिक ऑक्सीजन है, तो 8 ग्राम एटोमिक ऑक्सीजन है मीन्स ये एटम फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन एटोमिक ऑक्सीजन है मीन्स सिंगल ऑक्सीजन, तो उसका एटोमिक मास होगा 16, 16 से डिवाइड करो 8 को तो कितना होगा, हाफ हाफ मोल, और उसको ये कन्वर्ट कर दो किस में, मोलिकूल में, मोलिकूल में नहीं एटम में डायरेक्टली, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है ना, ये तो एटम है ना, तो डायरेक्टली एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एटोमिक, ये हो जाएगा एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हाफ इंटू एन ए करेंगे तो ए ऑप्शन के लिए आ जाएगा ये एटोमिक, ये ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा सीधा, ठीक है। क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे और फिर एन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एटोमिक ऑक्सीजन ही है, ठीक है। यहाँ पर मोलिकूल नहीं है, मोलिकूल होता तो फिर मतलब कंपाउंड होता तो पहले मोलिकूल फिर उसके नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब एटम में कन्वर्ट होता, यहाँ डायरेक्टली एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है 4 ग्राम मोलिकूल ऑफ O2, तो उसको क्या करेंगे, ये बी ऑप्शन में 4 ग्राम मोलिकूल मीन्स 4 मोल, ग्राम मोलिकूल मीन्स क्या, मोल, तो 4 मोल O2 है तो उसको क्या करोगे, मोल ही दिया हुआ है यहाँ डायरेक्टली, तो मोल मोलिकूल में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे 4 Na, और एक O2 में क्या है, एक एक O2 में दो ऑक्सीजन है तो 4 Na, Na मीन्स एवोगाड्रो नंबर, 4 Na इंटू 2, 8 Na हो जाएगा बी का, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। फिर सी में है 12 ग्राम O3, तो देखो O3 दिया हुआ है 12 ग्राम, तो उसको पहले मोल में कन्वर्ट करोगे फिर मोलिकूल में Na से मल्टीप्लाई करोगे, और एक O3 में 3 है ऑक्सीजन तो 3 से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, देख रहे हो कितना कितना टाइम टेकिंग है। लास्ट में है 4 ग्राम O3, तो उसको फिर क्या करोगे, मोल में कन्वर्ट करोगे 4 बाय ये इसके मोलिकुलर मास से, O3 का कितना होगा 16 × 3 48, तो इसको मोल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। 4 ग्राम O3 जो है वो क्या आएगा 4 बाय ये 48, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन के लिए, डी के लिए देखो ये मैच करेगा, तो ये कितना आएगा 1 बाय कितना 12, यही ना, तो 1 बाय 12 ये आ गया कितना, ये इतना O3, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मोलिकूल में, तो ये तो आया है मोल, तो इसको पहले एन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा इतना मोलिकूल, ठीक है, ये आ जाएगा इतना मोलिकूल कि कौन सा O3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय 12 × 3 मीन्स 1 बाय 4, यही ना, 1 बाय 4 × Na ऑक्सीजन एटम इतना मीन्स 0.25। अब देखो जो स्टार्टिंग है उसका भी वही है, 4 ग्राम O2 था ना, तो 4 ग्राम O2 जो है, 4 ग्राम O2 ये भी क्या आएगा 4 बाय 32, तो कितना 1 बाय 8, लेकिन 1 बाय 8 क्या क्या ऑक्सीजन ना O2। फिर ये जो है इसको तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और Na से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो है 1 बाय 8 × 2, और ये क्योंकि एक O2 में दो है O, तो × Na, तो ये फाइनली जो है वही तो आएगा 1 बाय 4 Na ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो फाइनली वही आएगा, ये दोनों देखो सेम ही है, ठीक है। चलो अब जो जो डाउट होगा वो कॉमन वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पहले इसको लिखो। 22 और 5, 22 में क्या है, 22 क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ 0.1 m सॉल्यूशन, ये तो इजीली सॉल्व हो गया होगा, ये इजीली सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और अगर कंसंट्रेशन दिया है वॉल्यूम भी दिया है तो नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल पूछ रहा है, तो और मोल निकल जाएगा डायरेक्टली, मोल निकल गया तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यही ना, तो वहां जो लॉजिक यूज किया हो उसी लॉजिक को थोड़ा सा अब आगे बढ़ाना है इसमें 5 में। तो 5 में क्या करना है, उसमें देखो यहाँ तो एक ही था सोल्यूशन, यही ना, यहाँ पर कोई मिक्सिंग नहीं हुआ है, यहाँ एक ही था सोल्यूशन, तो सवाल यह है, ये तो पता होगा कि ये एम इंटू वी करते हैं तो मोल निकलता है, ये पता है ना, तो उसके पीछे रीजन क्या है, अगर कोई सॉल्यूशन है और क्वेश्चन जब डिफिकल्ट आए थोड़ा भी तो यूनिट बहुत काम आता है, मान लो फॉर्मूला भूल भी गया तो यूनिट हमेशा काम आता है, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी 5 से पहले हम थोड़ा सा 22 पढ़ाते हैं, ये 22 में देखो HCl मोलिकूल का पूछ रहा है ना नंबर, तो उसमें 10 ml वॉल्यूम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन है 0.1 m, है ना,
तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना। और ये क्या है, एमएल में है, बट इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो लीटर और मोल पर लीटर को क्या करोगे कि मोल आना चाहिए, मल्टीप्लाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब एम इंटू वी करेंगे तो मोल आएगा, क्लियर है। तो ये लीटर लीटर कैंसिल होगा ना। अब इसको यूज करेंगे यहाँ पर फाइव नंबर में, ठीक है। फाइव में देखो क्या पूछ रहा है, फाइव में है दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, यही ना। तो दो सॉल्यूशन है उसको मिक्स किया गया, ये है क्या, AlCl3, यही ना, AlCl3 है और ये है CaCl2, राइट, यही ना। इसका दिया हुआ है, इसका कंसंट्रेशन दिया है कितना, 0.8, और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है क्या होगा, यही ना। और उसके साथ मिक्स किया गया है ये सॉल्यूशन, इसका दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 50 ml, और कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 m। दोनों को मिक्स किया गया, तो ये बताओ मिक्स करने के बाद वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यही ना। दोनों को अगर मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो फाइनल जो वॉल्यूम होगा ये है मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है इसमें वॉल्यूम डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ जो वॉल्यूम है और यहाँ पर जो वॉल्यूम है दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ मान लो वी है तो वी प्लस 0., ये वी प्लस 50, अगर ml में ले रहे हैं तो, दोनों मान लो ml में है तो वी प्लस 50, अभी सबको हम ml में ही ले रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वी प्लस 50 हो गया, और यहाँ पर दिया हुआ है कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है सी एल माइनस का, ये ध्यान रखना है, अभी उस पर आएंगे हम पहले, ये है 0.6। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने के लिए पहले तुमको थोड़ा सा ये आना चाहिए, फॉर्मूला तो पता होगा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, लेकिन वो फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है वो पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम दो सॉल्यूशन को मिक्स किए, तो दो सॉल्यूशन को अगर मिक्स किए तो दोनों सॉल्यूशन में कंडीशन यह है कि सॉल्यूट सेम होना चाहिए, समझ आया। दोनों में सॉल्यूट अगर सेम है तभी तुम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो पढ़े हो, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। तो सवाल है क्यों, ऐसा रीजन क्या है इसके पीछे। तो जैसे मान लो दो टाइप के तुम दाल को मिक्स कर रहे हो, दो टाइप के दाल को, एक है मेस का दाल और एक है तुम्हारे घर का दाल। तो घर का दाल में थोड़ा सा दाल का नंबर ज़्यादा होता है और मेस के दाल में कम होता है। तो जब मिक्स करोगे तो ये तो फिक्स है कि टेस्ट जो है दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं लाइक करेगा। अब अगर तुम वॉल्यूम दोनों सेम रखोगे, जैसे एक क्वेश्चन भी है बिना पेन यूज किए सॉल्व कर सकते हो, सेम वॉल्यूम मिक्स किया गया है, एक क्वेश्चन आगे है कहीं पर, अगर सेम वॉल्यूम में मिक्स करोगे, 1 लीटर वो भी 1 लीटर वो भी, तो टेस्ट एग्जैक्टली मिडिल में होगा, होगा कि नहीं, तो कंसंट्रेशन एग्जैक्ट बीच में आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट अमाउंट में मिक्स करोगे तो टेस्ट एग्जैक्टली बीच में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ही लाइक करेगा, होगा। तो आंसर भी एग्जैक्टली जो है कहीं ना कहीं बीच में मतलब आएगा, वो डिपेंड करता है किस रेशियो में कौन सा मिक्स कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया गया है। तो ये है क्या कि जब दोनों मान लो सेम टाइप के सॉल्यूशन है, मान लो ये है दाल वन, ये है दाल टू और ये मिक्स हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को मिक्स किए, हाँ देखो अब यहाँ पर जो है जो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है, मान लो भूल गए तो वो कैसे हम सोचेंगे, ये जो है फर्स्ट दाल और ये सेकेंड दाल, तो वॉल्यूम तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे मिक्स होने के बाद, और ये नंबर वन है तो इसमें इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ दिया होगा, तो मान लो V1 है और इसका कंसंट्रेशन, मीन्स कंसंट्रेशन क्या मतलब क्या है, मोल पर लीटर, वो रेशियो है, रेशियो मीन्स टेस्ट, वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे तुम थोड़ा पियो या ज़्यादा पियो टेस्ट सेम रहेगा, सही बात है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन सेम रहेगा, तुम अमाउंट थोड़ा लो या ज़्यादा लो, तो ये इसका कंसंट्रेशन है ये, ठीक है। तो ये मान लो M1 और ये V2 और ये M2। अब ये बताओ, अभी अभी देखें हम ये मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, मोल, ये ना। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, M1V1। तो यहाँ का दाल आ जाएगा, यहाँ पर कितने दाल के मोल है, कंसंट्रेशन नहीं, नंबर ऑफ मोल, यहाँ पर कंसंट्रेशन तो ये है, वो टेस्ट है, टेस्ट को नहीं ऐड कर देंगे, दो चाय को ऐड करेंगे तो चाय का जो है सेम टाइप के, मान लो चाय को ऐड करेंगे तो क्या टेस्ट क्या डबल हो जाएगा, टेस्ट सेम ही जाएगा, समझ में। डिफरेंट टाइप के अगर ऐड करोगे तो एक ज़्यादा मीठा है एक कम मीठा है, तो दोनों के बीच में होगा, टेस्ट को ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए कंसंट्रेशन को कभी भी डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, समझ में। अब देखो यहाँ पर ऐड क्या होगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने दाल के नंबर होंगे और यहाँ पर जितने दाल के नंबर होंगे वो तो ऐड होगा टोटल में। तो यहाँ पर दाल का नंबर मीन्स दाल के मोल कितने हैं, M1V1, और यहाँ पर दाल का नंबर कितना है,
एम टू वी टू, तो ये आ गया एम टू वी टू, और यहाँ पर ये मान लो फाइनल है या एम थ्री जो भी बोलो, तो ये है एम फाइनल और वी फाइनल, तो एम वन एम फाइनल वी फाइनल, यहाँ का दाल प्लस यहाँ का दाल मिलके टोटल दाल, दाल का नंबर, तो ये प्लस इक्वल टू ये होगा, यही फॉर्मूला है ना, ये किसका फॉर्मूला है, मिक्सिंग का, ये है ना, तो इसके पीछे लॉजिक समझ में आया ऐसा फॉर्मूला क्यों आया। अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट सेम नहीं है, एल सी एल थ्री है और ये सी एल सी एल टू है, और पूछ रहा है तुमको सीएल, ये सी एल माइनस का कंसंट्रेशन, यही ना, तो यहाँ देखो यहाँ पर मोल कैसे आएगा, इतना इंटू ये एम इंटू वी, तो यहाँ मोल आएगा 0.8 इंटू वी, और यहाँ पर मोल क्या आएगा 50 इंटू, अभी हम एम एल में ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ भी हम एम एल में रखे हैं, ठीक है, एक तरह से ये हम मिली मोल बोल सकते हैं, तो 50 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.6, ये ऐड करेंगे दोनों तो 0.6 इंटू ये V प्लस 50 आएगा, यही ना, ये कब आएगा जब दोनों में सोल्यूट सेम हो, बट यहाँ पर डिफरेंट है, लेकिन तुमको पूछ रहा है Cl माइनस ना, तुमको पूछ रहा है Cl माइनस, तो देखो इतना जो है ये दिया हुआ है एल सी एल थ्री का, तो एल सी एल थ्री ब्रेक हो गया एल थ्री प्लस और थ्री सी एल माइनस में, तो जितना एल सी एल थ्री है उसका ट्रिपल आएगा सी एल सी एल माइनस आएगा, तो यहाँ पर जो जितना आया है मोल उसका ट्रिपल आएगा, तो इंटू थ्री करेंगे यहाँ से थ्री सी एल माइनस आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, जैसे मान लो दाल को दोनों दाल को ऐड करेंगे तो ये दाल होगा, लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि एक दाल को ज़्यादा बॉयल कर दिया गया और दाल के दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, यहाँ मान लो 100 दाल है यहाँ 200 है, तो टोटल कितना होगा 300, लेकिन यहाँ का दाल मान लो दो पार्ट में ब्रेक हो गया है तो नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 200 और ये मान लो ब्रेक नहीं हुआ है तो यहाँ 200, तो अब 400 आएगा, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये इंटू थ्री और ये इंटू कितना 2, और यहाँ पर तो सी एल माइनस का ही दिया पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से वी निकाल दो, ठीक है, अब यहाँ से जो है यहाँ से तो अब सिंपल हो गया, अब आगे भी बताना है क्या, यहाँ से वी का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, 16 में क्या पूछ रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 AgNO3 एंड 0.2, हाँ यही तो क्वेश्चन था वो, देखो दोनों दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है AgNO3 है एक और दूसरा है क्या NaCl, यही ना क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 AgNO3 एंड 0.2 NaCl आर मिक्स्ड, कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस आयन इन द मिक्सचर विल बी, अब देखो दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, ये है AgNO3 और ये है क्या NaCl, तो यहाँ पर तो NO3 माइनस है ही नहीं है क्या, यहाँ पर NO3 माइनस है ही नहीं और दोनों इक्वल वॉल्यूम में है, तो देखो एक तो मेथड से बनाएंगे हम, मेथड सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, दूसरा लॉजिक से बिना पेन यूज किए सॉल्व हो जाएगा ये, पहले तो लॉजिक से ये बताओ कि दो दाल को मिक्स किया तुमने और मान लो ऐसा है कि दाल को मिक्स करेंगे तो एक दाल का जो नंबर होगा और दूसरे दाल का जो नंबर होगा दोनों ऐड हो जाएगा टोटल में, लेकिन ऐसा पूछा क्वेश्चन यहाँ पर अभी क्या पूछ रहा है, कंसंट्रेशन पूछ रहा है ना, मीन्स टेस्ट पूछ रहा है, तो टेस्ट में भी चेंजिंग आएगा, लेकिन दूसरा में NO3 माइनस है ही नहीं, तो मान लो ऐसा है कि दूसरा जो दाल है उसमें सब कुछ है, इस दाल में इसमें जो दाल सब कुछ है, एक में सब कुछ है, दूसरा में क्या है, दाल देना ही भूल गया, नमक है जो भी बाकी रिमेनिंग चीज़ें सब है, और लेकिन ओरिजिनल जो दाल के मोलिकुल्स है वही नहीं है, तो अब क्या होगा, अब तुम दोनों को ऐड करोगे तो सब तो वॉल्यूम तो ऐड होगा लेकिन उसमें तो दाल था ही नहीं, समझ में आया कि नहीं, उसमें तो दाल था ही नहीं ना, तो अब जो दाल तो एक में ही था तो यही दाल अब कम्प्लीटली सब टोटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो दाल का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, टेस्ट दाल का टेस्ट आधा ना हो जाएगा, या दाल को छोड़ो मान लो सॉल्ट की बात करो, एक में अगर सॉल्ट है दूसरे में सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट में इजीली समझ में आता है, एक में सॉल्ट है दूसरे में है ही नहीं, तो सॉल्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करें टेस्ट, तो एक मान लो एक लीटर दाल है उसमें सॉल्ट है और दूसरा में एक लीटर दाल है उसमें सॉल्ट डालना भूल गए, तो दोनों को मिक्स करोगे तो टेस्ट में जो है सॉल्ट आधा अब आएगा कि नहीं, तो आंसर आधा आएगा सीधा, ठीक है, ये तो लॉजिक से हुआ, अब मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, देखो आंसर सीधा आधा है कि नहीं, ठीक है, देखो इसका AgNO3 का यहाँ पर ये 0.1 और वॉल्यूम
इक्वल वॉल्यूम ना, तो कुछ भी मान लो, इक्वल वॉल्यूम है तो वन मान लेते हैं, सबसे इजी। अगर अगर ऐसा रहे तो हमेशा वन लेके चला करो, ठीक है, वन लीटर मान लेते हैं, और ये है 0.2, तो वन लीटर ये भी, ठीक है, ये है 0.2 m इक्वल टू। अब यहाँ पर NO3 माइनस पूछ रहा है, तो यहाँ से तो NO3 माइनस जो है, NO3 माइनस तो आया ही नहीं, तो एक तरह से यहाँ से जस्ट वाटर ऐड हुआ है, तो क्वेश्चन ऑफ डाइल्यूशन का हो गया। ये इसके रिस्पेक्ट में एक तरह से पानी ऐड हो रहा है, क्योंकि तो इधर से NO3 माइनस आया ही नहीं है। और डाइल्यूशन का फॉर्मूला तुमको पता होगा, हम मिक्सिंग से भी प्रूफ कर देंगे इसको, और डाइल्यूशन के फॉर्मूला से भी प्रूफ होगा, और तीसरा लॉजिक से भी प्रूफ होगा, मतलब इसके 3 मेथड है, ठीक है। तो अभी हम पहले अभी जो मिक्सिंग का है मेथड उससे अभी इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं। ये जो आएगा मिक्सचर, अभी क्या पूछ रहा है तुमको, NO3 माइनस ना, तो ये NO3 माइनस का कंसंट्रेशन पूछ रहा है कि मोलारिटी क्या होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, 2 लीटर, यही ना। चलो इसको मेथड से पहले सोल्व करते हैं। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M final V final, तो ये कितना आएगा, 0.1 × 1, 0.2 × 1, दोनों हमने 1 लीटर लिया है, इक्वल टू M × 2। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये तो ये जो तुमने लिया है यही मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर NO3 माइनस है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये NO3 माइनस है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया, NO3 माइनस है क्या यहाँ, ये 0 हो गया। NO3 माइनस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, NO3 माइनस के रिस्पेक्ट में इसका मोल, यहाँ पर NO3 माइनस कितना है, एक AgNO3 से कितने NO3 माइनस, 1 ही ना, तो जितना होगा ये उतना ही ये NO3 माइनस भी होगा, तो जितना आएगा मोल उतना ही आएगा वो भी NO3 माइनस भी, तो ये उतना ही आएगा। अब दोनों को ऐड करो, इक्वल टू ये, अब देखो आधा आएगा, सीधा आएगा, समझ गया। तो ये तो हो गया तुम्हारा मेथड 1। मेथड 2 से भी बनेगा, मेथड 2 में क्या है, मान लो एक कोई कंसंट्रेशन है, कोई ये कोई सॉल्यूशन है, तो इसमें तुम पानी डाल दिया, तो उसका फॉर्मूला तुमको याद होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। बट वो आया कैसे, ये जो है ये कोई मान लो फिर से दाल ही मानते हैं, ठीक है, उससे बहुत इजी है इसको एक्सप्लेन करना। दाल में तुमने पानी डाल दिया तो टेस्ट क्या होगा, टेस्ट घटेगा ना, तो कंसंट्रेशन घटेगा, समझ गया, कंसंट्रेशन घटेगा, तो ऐड कर दो वाटर, कंसंट्रेशन घट जाएगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ऐसा क्या है जो कांस्टेंट रहेगा, दाल का अमाउंट तो वही ना रहेगा, सही बात तो है, उसी लॉजिक पर ये फॉर्मूला है। यहाँ पर दाल के जो नंबर है यहाँ पर भी उतना ही होगा, चाहे तुम पानी कितना भी मिलाओ, तो यहाँ पर दाल के नंबर कितना है, यहाँ मान लो M है, M1 है, और यहाँ V1 है वॉल्यूम, तो M1 × M1 V1 है यहाँ पर इक्वल टू M2 V2, उसी से आया है वो, उसी से ना आया है। तो फॉर्मूला तुम याद कर लोगे, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए तुमको लॉजिक आना चाहिए ना, ये आया कैसे, जब तक वो नहीं पता है तुमको तब तक तुम उसको क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो है पानी डाल दिया है तो अब क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, अब उसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। इसके रिस्पेक्ट में ये एक तरह से जस्ट वाटर का एडिशन है, क्योंकि इसमें तो ये है ही नहीं ना, जैसे वाटर को हम ऐड कर रहे हैं तो वाटर में तो कुछ दाल है ही नहीं ना, तो इसके रिस्पेक्ट में एक तरह से वाटर ऐड हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में वाटर ऐड करो तो ये M1V1 इक्वल टू M2V2, तो फाइनली ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी 0 है तो कैंसिल हो रहा है। तो मेथड 2 जो है वो तो सिंपल है, M1V1 और इक्वल टू ये M final V final, यही ना, तो ये 0.1 × 1 इक्वल टू M final कितना, M × 2, यही ना। तो यहाँ से भी आंसर वही आएगा, सेम आंसर क्या आएगा, बी, मतलब M इक्वल टू कितना, 0.05, ठीक है, क्लियर है, मतलब आंसर इसका आएगा कितना, ये बी में है ना ऑप्शन। चलो नेक्स्ट 17 में पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP ऑब्टेंड ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम है कैसा, 90% प्योर है ना लाइमस्टोन, तो CaCO3 ये पता है ना, CaCO3 इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO ये सॉलिड है ना प्लस CO2 गैस। तो अब क्या पूछ रहा है, और 10 ग्राम तुमको दिया हुआ है और 90% ही प्योर है,
तो इसका मतलब 10 ग्राम में एक्चुअल कितना है, 9 ही ग्राम है ये, 10 का 90% कितना होगा, ये तो डायरेक्ट 9 ग्राम आएगा ना, 9 ग्राम ओरिजिनल। तो ये इसके बारे में पूछ रहा है ना, तो यहां से यहां रिलेशन फाइंड करना है। तो यहां पर देखो बैलेंस क्या हुआ है, ये 1 मोल से 1 मोल बनना है, तो ये 1 जितना मोल होगा ये उतना ही मोल ये बनेगा, तो ये कितना मोल होगा, इसका मोल कैसे फाइंड करेंगे, इसका मोलर मास से डिवाइड करोगे, तो ये कितना मोल कितना आएगा यहां, 9/100 यही ना आएगा, तो ये भी उतना ही होगा, तो ये भी बनेगा कितना 9/100 मोल। लेकिन पूछ रहा है क्या एसटीपी पर वॉल्यूम, तो क्या करेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9/100 और इनटू 22.4। अब देखो इसको सॉल्व करने में अगर टाइम तुमको लग रहा है तो ऑप्शन पर जाओ, ये 20 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसको क्या करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको 10/100 मान लो तो बहुत ही इजीली तुमको आंसर आ जाएगा। 10/100 अगर मानेंगे तो क्या होगा, 1/10 क्या होगा, ये 2.24, लेकिन 9 से 10 माने हो ना, तो उससे थोड़ा सा कम, तो 2.24 से एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा सा कम है, तो एग्जैक्ट इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है 2.016, ठीक है। हाँ ऑप्शन क्लोज है तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब तो तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसे बहुत ही ऐसे इसको सोल्व कर। अब क्या इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हम दिखाए, इसको मल्टीप्लाई करके दिखाए, तो 22.4 10-1 उसका भी इलाज है, तो कैसे नहीं आएगा, 22.4 इंटू 10 तो ये कितना होगा 224 -22.4, कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसका ये भी तरीका है उससे बचने का, अगर क्लोज आया ऑप्शन तब। हाँ तो 10 ग्राम, तो ये अब क्वेश्चन तो पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे, अब क्वेश्चन तुम अगर पढ़ने में मिस्टेक करोगे, हाँ तो क्वेश्चन पढ़ के उसको सही से अप्लाई भी तो करना है अब उसको, इसीलिए माइंड का एग्जाम में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अब तुम्हारा ध्यान कहीं और रहेगा, और तो क्वेश्चन जो है सोल्व करते टाइम अगर तुम कहीं और सोच रहे, अच्छा अच्छा तुम यहाँ मान लिया 10 ग्राम पहले ही, और ऑप्शन वैसा भी होगा, ये है ना एक ऑप्शन सी ऑप्शन है 2. ये ऐसा नहीं करना है, देखो देखो अब तुम क्या करो कैलकुलेशन से बचने के लिए, अभी आगे क्वेश्चन है वैसा मैं बताऊंगा, तो कैलकुलेशन से बचना है तो क्या करो, मतलब करना तो पड़ेगा कैलकुलेशन, तुम लास्ट तक ले जाओ, बीच में कहीं पर कैंसिल मत करो, अगर कोई डिफिकल्ट है उसको पॉइंट में मत कन्वर्ट करो, बीच में तुम लास्ट स्टेप पर जाओ जहां से डायरेक्ट तुमको ऑप्शन दिखे, अब ऑप्शन पर आना है, वहां पर तुमको जो भी थोड़ा सा इधर उधर प्लस माइनस करना है वो, तो और ऑप्शन भी साथ में देखो, बीच में तुम इधर उधर के तो फिर टाइम भी लगेगा और थोड़ा रॉन्ग होने के भी चांस है, लेकिन तुम लास्ट में जो फाइनल जो ये आया हमारा आंसर, इसमें तुमको अब जो दिमाग लगाने लगो, ठीक है, तो उससे थोड़ा कम टाइम में सॉल्व होगा, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखना है किसी को तो लिखो, ये मेथड 2, हाँ मेथड 3 तो बता ही दिए, लॉजिक से सीधा आधा हो जाएगा यही ना, और अगर हम ऐसा करें कि 1 लीटर में 2 लीटर मिक्स कर दे तो क्या होगा, 1 लीटर ये 1 लीटर दाल है और उसमें 2 लीटर अगर वाटर मिक्स कर दिए तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 1/3 यही ना होगा, दोनों सेम मिक्स करेंगे तो आधा होगा टेस्ट, अगर 1 लीटर में 2 लीटर मिक्स करोगे तो क्या होगा, 1/3 होगा, तो बिना पेन यूज किए भी सॉल्व हो सकता है, इसलिए आसान क्वेश्चन आया तो टाइम कम टाइम में भी सॉल्व होता है क्वेश्चन। मिटाए 18 में देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुमको लिमिटिंग रिएजेंट के सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, अब एग्जाम में तुमको ये तो नहीं देगा कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू लिमिटिंग रिएजेंट, वो थोड़ी देगा, वो तो तुमको खुद सोचना है ना कि इसमें कौन सा हम जो है कौन सा रूल अप्लाई करें, ठीक है। तो देखो ये है 2A से बन रहा है, क्या है क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन सेट, 2A से बन रहा है P+3Q+R और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट है 1/3B, इससे बन रहा है 2Q, ठीक है, ये है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टार्टिंग विथ 3 मोल ऑफ A, मतलब यहां से स्टार्ट किया गया है 3 मोल से, 2 मोल ऑफ B एंड 6 मोल ऑफ C, तो ये है 3 मोल और 2 मोल है ये B और 6 मोल है C, तो पूछ रहा है प्रोडक्ट P यहां बन रहा है और लास्ट में Q बन रहा है, तो ये दोनों पूछ रहा है तुमको कि कितना बनेगा, ये ना, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्टार्टिंग A से किया गया, ये एक्चुअली क्या है, एक कंटेनर में सेम कंटेनर में क्या किया गया,
ये भी रख दिया गया। तो ए से तो अपने आप ही पी और क्यू और आर फॉर्म हो रहा है, हो रहा है ना, ए से ये तीनों फॉर्म हो रहा है। अब जब तक ये फॉर्म नहीं होगा तब तक आगे नेक्स्ट क्या है, बी भी है कंटेनर में, सेम कंटेनर में। जब तक ये फॉर्म नहीं होगा तब तक बी का जो है रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बी को चाहिए क्या, क्यू और आर। तो क्यू और आर कहां से आएगा, यहां से, ठीक है। और जब ये रिएक्शन हो गया उसके बाद अब क्या है, ये सी भी है, सी को चाहिए एस और टी। तो सी का रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक ये एस और टी नहीं बनेगा, क्योंकि सेम कंटेनर में है ना, ये तो हमने लिया नहीं ना, ये तो यहां से आया है ना, ठीक है। तो अब आते हम पहले यहां, स्टार्टिंग है कितना, 3 मोल। तो ये इसकी बात करते हैं, 3 मोल से बताओ, और बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, ये बताओ तो, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। ये देखो यहां पर तुमको, तुम दिमाग लगाओ कि बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं दिख रहा है, तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बैलेंस करके दिया गया है वो, तो इसको बैलेंसिंग नहीं करने जाना है। वैसे भी तुम कैसे बैलेंस करोगे इसको, ये कोई कंपाउंड थोड़े ना दिया हुआ है कंपाउंड का नाम, तो ये ऑलरेडी बैलेंस करके दिया गया है, तो तुमको उसमें दिमाग ही लगाना है, ठीक है। तो ये है 3 मोल। अब क्या है, पी क्यू आर, बताओ पी कितना बनेगा, पी के नीचे लिख रहे हैं, ये 3 मोल से ये कितना बनेगा। हाँ ये देखो रिएक्टेंट एक ही है, तो जब एक ही रिएक्टेंट है तो वो तो कंप्लीट हो जाएगा, दो रहेगा तब ना उसमें कुछ बचेगा। जब एक ही है, दो अगर रिएक्टेंट है तो उसमें हो सकता है कि एक कोई कम पड़ जाए दूसरा ज्यादा हो जाए, यही ना। अगर एक ही है रिएक्टेंट तो वो जब तक ये फिनिश ना हो जाए तब तक रिएक्शन होते रहेगा। तो जब ये कंप्लीट हो गया तो बताओ ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। ये 2 से बन रहा है 1, तो 3 से कितना उसका आधा, तो ये 1.5, ये 1.5, और ये कितना 2 से बन रहा है 3, तो 3 से कितना, डबल है क्या ये, 1.5 टाइम्स है ना, तो ये कितना 3 से कितना, 4.5 ना, इसका ये 1.5 टाइम्स है, ये 1.5 टाइम्स कितना होगा, 4.5 मींस 9/2, तो ये 4.5 टाइम्स, ठीक है। कौन सा, ये Q, और R कितना, 1.5, 1-1 का रेशियो, ये 2 से 1 बन रहा है, मतलब ये दोनों सेम है ना, तो ये 1.5, ठीक है। यहाँ लिख दे क्या, पी क्यू आर, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे ना, ये है ये और ये है ये और ये है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहां पर बी कितना लिया गया है, बी है 2 मोल, तो बी के नीचे कितना है, ये 2 मोल है, ये है 2 मोल। क्यू और आर तो यहां से आया है ना, यही ना, इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके लिए रिएक्टेंट का काम करेगा, तो क्यू कितना है 4.5 है, और आर कितना है 1.5, समझ में आया। तो ये है ये और ये है ये और ये है ये, ठीक है। अब इससे बन रहा है ये, ये तो था नहीं, ये S प्लस टी। तो अब यहां पर क्वेश्चन है कि S और T कितना बनेगा, तो अब तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट नहीं है, अब यहां पर 3-3 रिएक्टेंट है। अब तुमको सोचना पड़ेगा, अब क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करो, ठीक है। घर में अगर तुम्हारे पास घर में जो है अनलिमिटेड है आटा, लेकिन ये गैस खत्म हो जाए तो खाना बनना बंद हो जाएगा। ये आटा को पहले मिक्स करते हैं हम लोग किससे, वाटर से, रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए पहले वाटर से मिक्स करेंगे ना, पानी खत्म हो जाए तब भी खाना बनना बंद। तो 3 अगर रिक्वायरमेंट है, आटा भी, पानी भी और गैस भी, तीनों में से कोई भी एक खत्म होगा तो खाना बनना बंद, पड़ोसी से नहीं लेना है, ठीक है। लिमिटिंग रीजन का क्या मतलब है कि कोई एक भी खत्म हुआ तो रिएक्शन स्टॉप, यही ना मीनिंग। तो अब तुमको चेक करना पड़ेगा ना, अब मोर देन 1 रिएक्टेंट है, ऐसा प्रॉब्लम कब आएगा, जब एक से ज्यादा है रिएक्टेंट। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो फिर ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, तो वो खत्म हो जाएगा, जब तक वो है तब तक चल रहा है, यही ना। जब तक वो है, स्वीट से रखा हुआ घर में, तो उसको कुछ, उसको थोड़े ना कुछ चाहिए, डायरेक्ट जब तक है तब तक, जब तक खत्म नहीं है तब तक खाते रहो, उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो एक ही रिएक्टेंट है अगर, तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा है तब तुमको टेंशन है। तो फिर देखना पड़ेगा कि अब इसमें कोई लिमिटेड तो नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का 2 फॉर्मूला है, मतलब एक तो है कि तुम ये बुक के मेथड से यूज करो, ठीक है, बुक के मेथड से चलो, दूसरा है लॉजिक से चलो। तो हम दोनों से देखते हैं दोनों से कैसे याद रहा है, ठीक है। अब देखो लॉजिक से कैसे चलेंगे,
ये 1/3 है, यही ना, ये 1/3 है, तो ये कितना है इसका, इसका 3 times, यही ना, और ये दोनों सेम, देखो ना ये जितना है उतना ही ये चाहिए, मतलब ये अगर आटा है और ये अगर पानी है, ये वाटर है, तो दोनों सेम है, दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है, तो कोई एक खत्म होगा तो मतलब चपाती या रोटी बनना बंद। तो देखो तो ये दोनों में से दोनों क्या सेम है क्या, ये कम है तो ये तो फिक्स हो गया, ये कैंसिल, ये मतलब कुछ ना कुछ बचा रहेगा, ये खत्म होगा, लेकिन फिर चेक करना है ना कि गैस का क्या सीन है, कहीं गैस ही खत्म हो गया तो ये भी तो चेक करना पड़ेगा, तो अभी क्योंकि ये तो रिएक्टेंट बाकी है ना, तो ये भी तुमको चेक करना पड़ेगा, तो ये दोनों को भी चेक करो। अब देखो इसका 3 times है ये, तो 1.5 का 3 times, दोनों सेम है, तो दोनों गैस और वाटर दोनों एक बार ही खत्म होगा, इसका 3 times है ना ये, तो देखो इसका 3 times, तो ये दोनों एक साथ ही खत्म होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट डायरेक्ट हमको मिल गया लॉजिक से, ठीक है। अब चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो खत्म हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चपाती बनेगा, जो बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली नहीं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा, जो रिएक्टेंट खत्म हुआ है उसके हिसाब से, जो रिएक्टेंट बचा हुआ है उसके हिसाब से नहीं। हाँ, फिर भी तुमको ज्यादा दिमाग लगाना है, हमको इसी से चलना है, तो उसमें जो पार्ट खत्म हुआ है उसके हिसाब से तुम बनाओगे, तो फिर तुम उसमें डबल काम करना पड़ेगा तुमको, कितना इसमें से खत्म हुआ फिर उसके अकॉर्डिंगली बेटर है कि जो कंप्लीटली खत्म हो गया उससे डायरेक्टली चलो, ठीक है। तो ये दोनों में से तुम कोई भी लोगे आंसर सेम आएगा, ये दोनों में से कोई भी लो आंसर सेम आएगा, तो बेटर क्या है हम ये 1 वाला कोफिशिएंट ले, हमको आसान पड़ेगा। तो देखो ये 1 है तो ये दोनों 1-1 है, ठीक है, ये 1 है तो दोनों 1-1 है, तो ये खत्म हुआ तो ये दोनों सेम ही बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों कितना बनेगा, 4.5 और 4.5, देखो लॉजिक से आ गया आंसर। तुम बोलोगे मेथड से, बुक के मेथड से देखो, आप उसमें बुक के मेथड से जो है कैसे लाएंगे, बुक के मेथड से इसके मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, तीनों में फिर देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है, फिर उससे फिर इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे भी आंसर सेम आएगा, नहीं तो यहां बता दे रहे हैं आंसर सेम आएगा। तो बुक के मेथड से क्या करेंगे, यहां यहां और यहां, ये इसका मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका मोल अपॉन इसका कोफिशिएंट, मींस एन ए बाय ए करते थे, ए है क्या कोफिशिएंट, अगर ए है रिएक्टेंट तो, ठीक है, या सीधा एन लिखो यहां पर, और ये यहां भी एन बाय बी करेंगे, वहां भी एन बाय सी करेंगे, ये तीनों के लिए। तो इसका मोल कितना है, 2 बाय कितना है इसका, इसके पीछे भी लॉजिक है बट अब उतना हम नहीं बता सकते अभी कि ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे भी रीजन है, तो अभी अभी तो उतना टाइम नहीं है। तो ये जो है इसका मोल अपॉन ये 1/3, 2 by 1/3, ठीक है, और ये कितना आएगा 4.5 by 1, और ये कितना आएगा 1.5 by 1/3, तो देखो तो कितना आया, ये आएगा 6, ये 4.5, और ये देखो 4.5, देखो ये दोनों सेम आया, ठीक है, बट इससे तो कम है, इसका मतलब ये दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है, और ये है एक्सेस, ये है एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, तो इसका मतलब ये कैंसिल, ठीक है, तो इससे आएगा। अब इससे कैसे आएगा, तो फिर इससे क्या करते थे, ये प्रोडक्ट लाना है तुमको तो इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एस और टी लाना है ना, तो S कितना बनेगा और T कितना बनेगा, तो S बनेगा 4.5, ये दोनों सेम ही है तो कोई भी लो 4.5 into 1 इसका कोफिशिएंट, तो ये आएगा कितना 4.5, और ये कितना आएगा, ये भी वही आएगा 4.5 into 1, तो देखो दोनों सेम आएगा, आया भी है दोनों सेम, ठीक है, तो बुक के मेथड से भी आंसर सेम आएगा, बट उसमें टाइम लग रहा है, अगर लॉजिक से चल जल्दी हो रहा है तो फिर उतना करने की जरूरत नहीं। ये आ गया तुमको S और T। अब नेक्स्ट आते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर आओ, यहां पर अब देखो ये क्या दिया हुआ है, सी का कितना मोल दिया हुआ है, 6, तो ये 6 है ये, और ये टी और एस यहां से आया ना, ये कितना 4.5 और ये 4.5, यही ना। अब ये क्यू कितना बनेगा, अब देखो लॉजिक से भी चल सकते हैं, उस मेथड से भी चल सकते हैं, तो लॉजिक से पहले बताओ, तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम चाहिए, और ये कितना 1/3 इसका, तो देखो तो इसमें ये दोनों सेम, ये तो दोनों सेम है, लेकिन इसका 1/3 चाहिए ये, तो इसका 1/3 है क्या, ये ज्यादा है, अगर ये पूरा खत्म होगा तो इसका ये 3 times चाहिए ये, अगर ये 1 खत्म होगा तो ये 3 मीन्स 6 खत्म होगा तो ये 18 चाहिए,
तो इसका मतलब लिमिटिंग कौन सा है बताओ, एस और टी है या सी है? एस और टी है लिमिटिंग, क्योंकि ये ज्यादा है। ऐसे मत सोचो कि सिक्स ज्यादा दिख रहा है इसलिए है, उसके पीछे रीजन ये है कि ये कोफिशियंट, ठीक है, तो ये दोनों लिमिटिंग है, तो कोई भी तुम यूज करो। तो अब ये देखो, थ्री से बन रहा है टू, किसी को भी रेफरेंस लो, ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये फाइनली बचेगा जीरो और ये भी जीरो, बट ये कुछ ना कुछ बचा रहेगा। अब कितना बचा रहेगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसका वन थर्ड, ये रिएक्ट हो रहा है ना उसका वन थर्ड, तो वन पॉइंट, ये 4.5 है तो इसका वन थर्ड मीन्स 1.5 ही रिएक्ट करेगा, तो 6 माइनस 1.5 ये कितना 3 point, ये होगा 4.5, ये ना इतना ये बचा हुआ है। अब चलो इसके हिसाब चल रहे हैं, 3 से 2 बना तो बताओ 4.5 से कितना बनेगा, बोलो 3 से 2 बना तो ये हम लिख सकते हैं 2/3 × 4.5 लिख सकते हैं ना, 2/3 × 4.5 तो कितना आएगा, ये आएगा 3 आएगा, तो 3 आ गया क्यू। अब चलो ऑप्शन पर, ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, ये पी और क्यू का पूछ रहा है ना, पी जो है स्टार्टिंग में ही बना था, उसके बाद पी कहीं पर यूज हुआ है क्या, तो पी अगर यूज नहीं हुआ तो वो रिएक्टेंट में ही रहेगा, तो पी कितना था 1.5 और क्यू क्यू 3, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन होगा क्या इसका डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, ये हो गया 19 में क्या है ये लिखना है किसी को, 19 क्वेश्चन में देखो इसमें क्या है, इसमें कोरोना वायरस के बारे में पूछ रहा है ना, मतलब उससे रिलेटेड है क्वेश्चन ये, तो इसमें क्या पूछ रहा है, कोरोना वायरस इज फाउंड टू बी सिमेट्रिकल पार्टिकल्स ऑफ 150 एंगस्ट्रम इन डायमीटर एंड 5000 एंगस्ट्रम लॉन्ग। अब देखो ये सिमेट्रिकल है और डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है, इसका मतलब इसका ये कैसा होगा एग्जैक्टली, डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब सिलिंड्रिकल होगा, ये डायमीटर दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये सिलिंड्रिकल है, तो ये जो है सिलिंड्रिकल है, ये है सिलिंड्रिकल, तो ये डायमीटर है और ये लेंथ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रम। अब देखो ये डायमीटर भी दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 150 एंगस्ट्रम, यही ना, उसके बाद क्या है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वायरस इज 0.75 cm³ पर ग्राम, ठीक है। अब देखो यूनिट बहुत काम आता है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, ये यूनिट देखो क्या है, cm³ पर ग्राम मीन्स 1 ग्राम का वॉल्यूम है 0.75 cm³, cm³ मीन्स ml, यही ना, तो यहाँ पर तो ml में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगस्ट्रम को ऑलरेडी हम cm में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से वॉल्यूम इसका जो है, एक कोरोना वायरस का वॉल्यूम निकल जाएगा, एक का वॉल्यूम निकलेगा ना, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे बकेट का वॉल्यूम चाहिए या इस रूम का, तो नीचे का एरिया इंटू हाइट, अगर बकेट का चाहिए तो नीचे का एरिया कितना है पायर स्क्वायर और इंटू हाइट, तो इसका अगर चाहिए तो पायर स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये क्या आएगा पायर स्क्वायर इंटू हाइट, यही ना आएगा, ये वॉल्यूम एक का, ठीक है, सिंगल वायरस का, तो कितना ये आएगा, अब यहाँ ये भी करके दिखाए यहाँ से आ जाएगा, पहले देखो वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा पाई 22.7 और आर कितना है डायमीटर का आधा, डायमीटर कितना है 150, तो मीन्स 75 है ना, इनटू इसको हम देखो इसको क्या करेंगे, क्या हुआ, ये 150 है ना डायमीटर, तो इसका आधा होगा रेडियस, तो रेडियस कितना आएगा 75, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, अब देखो यहाँ पर आगे हमको यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो वो भी तुमको ध्यान रखना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा 1 एंगस्ट्रम = कितना सेंटीमीटर 10^-8, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा रेडियस, और इंटू ये क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे पाई आर स्क्वायर आ गया, और इंटू हाइट है कितना 5000, तो 5000 × 10^-8, अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर, अभी हमने सेंटीमीटर लिया ना, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, अब देखो यूनिट जो है दोनों का मैच करेगा, अभी आगे जो इन्फॉर्मेशन है, तो ये है एक का वॉल्यूम, अब क्या है 0.75 ग्राम, ये 0.75 cm³ पर ग्राम दिया हुआ है, यही ना, इसका मतलब क्या है एक ग्राम का इतना वॉल्यूम, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि
इतना सीएम क्यूब ये है 1 ग्राम, तो यहां से जो आएगा उसका मास नहीं निकलेगा, ये इसका ये जो है ये इतना सीएम क्यूब है 1 ग्राम, तो इसका मास निकल जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका मास निकल जाएगा। अब इसका जो भी मास आएगा वो होगा किसका, ये जो वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है वो है एक सिंगल का। तुमको क्या पूछ रहा है, मोलर मास ना, क्या पूछ रहा है, मोलिकुलर वेट मींस एक मोल का मास, तो एक सिंगल का निकलेगा तुमको मास, तो फिर मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। अगर एक मोलिकुल का मास हमको पता है, सिंगल का कुछ भी है, तो एक मोलिकुल एक डजन का कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई किससे, 12 से, तो एक मोल का कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई किससे, एनए से, एवोगाड्रो नंबर से। एक डजन में 12 होता है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक डजन का निकालना है, एक मोल का निकालना है तो एक मोल के जो नंबर है उससे निकाल, उससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फिर ये जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, 6.02 × 10²³ से, ठीक है। और जो लास्ट में आएगा वैल्यू, जो लास्ट में जो आएगा ना, अभी बीच में कैलकुलेशन मत करो, लास्ट में बहुत सिंपल आता है, लास्ट में सिंपल ही आता है, करके बताएंगे क्या आ जाएगा ना, ठीक है चलो। नेक्स्ट 19, हाँ इसका आंसर है कितना, ए 20 क्वेश्चन में 20 भी है क्या, और 20 में क्या पूछ रहा है, रिएक्शन दिया हुआ है तुमको SO2Cl2 और वाटर एक्सेस में है, इससे बन रहा है H2SO4+2HCl, ठीक है ये है। अब देखो दो दो एसिड जनरेट हो रहा है, H2SO4 और HCl हो रहा है, तो आगे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ NaOH, NaOH क्या है, बेस है, तो एसिड को अगर हम बेस से, बेस के साथ अगर रिएक्ट कराए तो क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर है ना, सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसको देखो अब यहां से जनरेट हुआ है दो एसिड, दो डिफरेंट, लेकिन दोनों को बेस चाहिए ना, दोनों को बेस चाहिए ना, तो बताओ अब इंफॉर्मेशन तुमको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज, तो रिएक्टेंट है 0.5 मोल ये ना। अब देखो ये बैलेंस किया हुआ है कि नहीं, देखो तो दिमाग लगाओ, तो H2O तो एक्सेस में है, तो H2O का कोई टेंशन नहीं लेना है, सल्फर और Cl बैलेंस है कि नहीं, देखो H2O तो एक्सेस में है, सल्फर और Cl बैलेंस है ना, तो नहीं बैलेंस क्या, सल्फर एक है और HCl2 है, तो बैलेंस तो है, बैलेंस है, तो उसका कोई, और H2O तो एक्सेस में है तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये H2SO4 तो वाटर में ऑक्सीजन अनलिमिटेड है ना, ठीक है। अब देखो NaOH पूछ रहा है तुमको, तो ये बताओ एक NaOH को कितना HCl चाहिए न्यूट्रल रिएक्शन के लिए, एक NaOH को, H2SO4 नहीं, HCl, एक HCl से कितना H+ निकलेगा, 1 HCl से 1H+ ना, और NaOH से कितना OH- एक, तो इसका मतलब 1HCl को 1NaOH चाहिए, तो 2 को 2 चाहिए, और ये क्या है H2SO4, एक H2SO4 से कितना H+ निकलेगा, 2, तो यहां से 2 निकलेगा ना, तो इसको कितना चाहिए, डबल चाहिए NaOH इसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रलाइज का क्या मतलब है, कंप्लीट रिएक्शन क्या मतलब है, इसमें से जो H, ये H+ आएगा उसको OH- उसके साथ मिलके वाटर बना लेगा, ठीक है। तो ये इससे निकलेगा कितना, 2H+ है ना, तो ये यहां से आएगा 2H+, ये 2H+ और साथ में SO4 2-, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, और यहां से H+ और Cl- मतलब 2 है, तो 2H+ और 2 Cl- है ना। अब चलो अब यहां पर आओ NaOH पर, तो NaOH बताओ, हाँ पहले तो ये बताओ कि 0.5 है तो ये कितना बनेगा, ये तो समझ आ गया ना, इसको मिटा दे रहे हैं, ये बताओ कि 0.5 से ये 1 से बन रहा है 1 यही ना, तो 0.5 से कितना बनेगा, 1 से 1 बनेगा, तो 0.5 से 0.5 बनेगा, और ये डबल बनेगा 1। अब इसको NaOH कितना चाहिए, जितना है उसका डबल, क्योंकि 2H+ निकल रहा है ना यहाँ से, तो इसका डबल चाहिए, तो NaOH जो चाहिए, NaOH इसका डबल चाहिए, मतलब ये 0.5 × 2
तो वन चाहिए, इसको चाहिए वन, क्या इसमें भी डाउट है क्या? इसको बैलेंस करने के लिए मतलब कंप्लीट रिएक्शन के लिए इसको डबल चाहिए एनीवेज, और इसको उतना ही चाहिए, तो ये वन है तो वन ही चाहिए, क्योंकि HCl, एक HCl से एक ही H प्लस निकलता है ना, और एक NaOH से भी एक ही OH माइनस, तो ये वन, तो बताओ कितना आंसर आएगा, टोटल कितना है NaOH, बोलो NaOH कितना, ये दो आएगा, दो मोल ना, तो वन प्लस वन कितना, ये टू, टू मोल आएगा। अब इसको क्वेश्चन में देखो, ऑप्शन में तुमको मोल नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40, तो 40 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 2 आया तुम्हारा मोल, तो 2 इंटू 40 मतलब ये आएगा कितना, 80 ग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 24, पर ये लिखो, यहां तक लिखो, ये भी वैसा ही है, अगर तुमको स्टार्टिंग का समझ में आ गया, ये भी वैसा ही है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस करके दिया हुआ है, ठीक है। सेम है, आ जाएगा, सॉल्व करना है क्या, छोड़ दे। 25 में क्या पूछ रहा है, द मोलर रेशियो ऑफ Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस इन द मिक्सचर ऑफ FeSO4 एंड Fe2SO4 थ्राइस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इन बोथ फेरस एंड फेरिक सल्फेट इज। तो देखो क्या है, FeSO4 और Fe2SO4 थ्राइस, यही ना, तो देखो ये जब ब्रेक होगा तो SO4 पर क्या होता है चार्ज, -2, तो Fe पर क्या आया होगा, +2, इसमें बताओ SO4 पर होता है -2 चार्ज, यहाँ देखो ये दोनों 1-1 ही है, इसमें कितने SO4 है, 3, तो 3 SO4, टोटल चार्ज कितना, 3 × -2 -6, और न्यूट्रल कंपाउंड है तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए, यहाँ कितना 2 Fe पर चार्ज क्या होगा, +3, तो अभी बैलेंस होगा, देखो टोटल कितना +6 और -6, तो न्यूट्रल कंपाउंड में चार्ज बैलेंस होना कंपलसरी है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि अगर देखो इस बार क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट है, लेकिन तुमको क्या पूछ रहा है कि दोनों अगर सेम हो, सल्फेट आयन अगर सेम हो, तो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का रेशियो क्या आएगा, तो तुम कोई भी एक अमाउंट फिक्स कर लो, कोई भी एक, ये दोनों में तुम सेम फिक्स कर लो, तो देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो बेटर है कि इसी को फिक्स कर दो, ये 3 ही है मान लो, SO4 ये 3 है, तो SO4 3 है, तो Fe कितना है, ये वाला Fe कितना है, 2 है ना, अगर 3 SO4 है तो Fe 3 प्लस कितना है, 2, और SO4 2 माइनस इस केस में 1 है तो 1 है Fe2 प्लस, लेकिन वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दोनों को सेम करना है, तो अगर इसको भी हम 3 कर दिए तो ये कितना होगा, 3 होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि दोनों को तुमको ये दोनों को सेम करना है, तो कॉम्प्लिकेटेड अगर करना है इसको मान लो तुमको कॉम्प्लिकेटेड करना है, तो इसको 1 रखो और इसको 1 रखो, तो देखो ये 1 रखोगे तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है, तो बेटर है कि इसको 3 कर लो, ठीक है, तो अगर ये 3 होगा SO4 2 माइनस, तो ये कितना होगा, ये 1-1 का रेशियो है ना, तो ये भी 3 आएगा ना, अब बताओ इस दोनों का रेशियो बताओ, ये दोनों तो फिक्स है, तो ये जब चेंज नहीं कर रहे तो ये तो फिक्स होगा, लेकिन इसको चेंज किया है तो ये चेंज होगा, तो दोनों में रेशियो क्या आएगा, ये दोनों में रेशियो Fe2 प्लस और Fe3 प्लस का रेशियो क्या आएगा, 3:2, इसमें ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। 30 में देखो क्या है, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट्स, ऑप्शन है तुम्हारे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन, चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो देखो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, अब तुम इसको कैसे लिखोगे, 1 मोल लिखोगे, यही ना, इसको मोल लिखोगे, अब देखो ये तो पता होगा कि ग्राम एटम का नाम मोल है, पहले ग्राम एटम, ये मोल के लिए ग्राम एटम वर्ड यूज होता था, ठीक है, तो बहुत पहले ग्राम एटम वर्ड यूज होता था, और ये ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड सुना होगा रेडॉक्स में, उसके नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, अभी तक वही चल रहा है, लेकिन मोल जो है ग्राम एटम का नाम रख दिया गया, और ग्राम मॉलिक्यूल का भी नाम, दोनों का नाम सेम रख दिया गया, तो फिर सवाल यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या था, ये भी तो क्वेश्चन है ना, तो अगर मान लो ये जो है ये ऐसा क्वेश्चन रहता कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया रहता,
ठीक है, तो ऐसा ही रहता है अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। अगर ऐसा रहता तो इसका मतलब है एक ही मोल, लेकिन वो एटॉमिक फॉर्म में, मींस 1 मोल नाइट्रोजन एटम। और अगर ऐसा रहता वर्ड लिखा हुआ तो 1 मोल N2 मॉलिक्यूल, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों के लिए नाम अलग अलग था। जैसे मान लो कि क्लास में, जैसे मान लो क्लास में बॉयज और गर्ल, दोनों के लिए नाम तो अलग है ना, लेकिन कॉमन नाम स्टूडेंट है ना, ये वैसा ही है। ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो ग्राम एटम, मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो ग्राम मॉलिक्यूल, कॉमन नाम है मोल, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया। तो वैसा ही है, तो अब तो बन जाएगा ना, 1 ग्राम एटम है, तो इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। और ऑप्शन जो तुमको दिया हुआ है उसमें देखो, नाइट्रोजन दिया हुआ है गैस के फॉर्म में, तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में कैसे मिलता है, N2 फॉर्म में। तो ऑप्शन जो है उस तुमको N2 के हिसाब से फाइंड करना है। तो जितना होगा ग्राम, ये 1 मोल नाइट्रोजन एटम, N2 उसका हाफ होगा। तो ये है ना, अपने पास ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो ये होगा कितना, हाफ मोल N2, ठीक है, N2 फॉर्म में हाफ होगा ना, हाफ मोल N2 होगा। 1 मोल N है तो N2 फॉर्म में आधा होगा उसका, इसमें भी डाउट है क्या। तो आप देख लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए तो आएगा नहीं, ए है 28 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन मीन्स N2, 28 ग्राम N2, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। ए में है 28 ग्राम नाइट्रोजन मीन्स N2, तो ये कितना होगा, 28/28, 1 मोल, तो ये तो नहीं होगा, 1 मोल क्या, N2, बट है हम अपने को चाहिए हाफ मोल N2, तो ऑप्शन बी में आओ, ये 11.2 लीटर, तो ये 22.4 से डिवाइड करो, हाफ मोल आएगा, तो यही आंसर होगा, हाफ मोल N2, ठीक है। और अब बाकी जो है, सी में तो 22.4 लीटर N2 है, तो 1 मोल होगा, तो सी तो होगा ही नहीं। और डी में मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 1 मोल का ही, Na मींस 1 मोल N2, तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, चलो।